सर में आपका स्वागत है और आज हम फिर से गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है एसफाल्ट 9, जिसका पिछला एपिसोड में हमने जो है वो लेवल 1 कंप्लीट किया था। एंड इस लेवल में हम जो है वो इस एपिसोड में हम लेवल 2 एंड आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग हमारे इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो प्लीज़ आप पीछे जाके एपिसोड 1 देख सकते हैं, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलता रहे। ओके, सोच गेम को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो ये लेवल्स है। ओके, सो गो टू मिशन। हम मिशन प्ले करने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं और दूसरे मिशन में हमें 15 गेम खेलने हैं, जिसमें सिर्फ अभी यहाँ तक हम एक गेम खेल पाए हैं, ठीक है। सो सेकेंड लेवल में हम जो है वो आप ये देख सकते हैं 1 कंप्लीट है, एंड ऊपर जो है वो हमारे पास और भी जो है वो ऊपर लैडर है जिसमें हमें जो है वो 15 लैडर तक जाना है। एंड लास्ट जो है वो हम जब गेम चैलेंज जीते थे लेवल 1, तो हमारे पास जो है वो BMW कार जो है वो अनलॉक हुई थी, ठीक है। अगला जो टारगेटेड है हमारा जो नेक्स्ट लेवल का जो व्हीकल है जिसको हम अर्न करेंगे वो है सेब्रोलेट की। ओके, सो लाइक टारगेट यही है कि जब अपना जो है वो वेयर हाउस में जाऊं या गैराज में जाऊं तो सारी गाड़ियां जो टॉप मॉडल अप टू टॉप लेवल की जो रेसिंग कार्स होती हैं, बुगाटी वेरोन, लैम्बोर्गिनी, ये सब वो सारी जो है वो हमारे पास हो। ओके, सो गेम को स्टार्ट करते हैं। एंड देन हमारे पास जो है वो ये एक जो है वो मिसुबुशी है, एंड मिसुबिशी है, एंड देन उसके बाद जो है वो हमारे पास BMW है। सो हम BMW से करेंगे, देन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई थिंक हमें जो है वो पीछे जाना है। एनीवे, अंडर कार इज अंडर गो पावर। ओके, सो कह रहा है कि हमारा कार जो है वो मेरा कार जो है वो अंडर गो पावर है, मतलब कम पावर का है, बट फिर भी अगले में अपग्रेड करेंगे, क्योंकि अपग्रेड करने के लिए जो मैं कुछ कॉइन्स अर्न किया हूँ वो सारा मेरा कॉइन्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कैमरा अभी क्लोज रखते हैं, क्योंकि कैमरा मीन्स जब हम ड्राइव करेंगे तो आगे पीछे का सीन जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। सो गेम को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। 1 2 3 एंड गो। अकेज, तो सही जा रहे। ओ, ये क्या, यहाँ से कूदना था? ये तो ये कभी कभी ना रोड कम है भी, हालांकि सही जा रहे हैं, बट फिर भी नाइट्रो मेरे से पहले गाड़ियाँ जो है थी गई वो ले ली, बट मुझे भी एक नाइट्रो मिल गया। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ओके, मैं नाइट्रो एक और है ले लेता हूँ। मैं अभी तक फर्स्ट पोजीशन पे देख रहे हैं, आप जो है वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि जो है वो पोजीशन पे कौन चल रहा है, ठीक है। सो अभी तक जो है वो सो फार हम फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे हैं। एंड आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। सेकेंड, देन हम नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं आगे। गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम 2 रेस जीत चुके हैं इस कंपटीशन का, मतलब लेवल 2 का सेकेंड राउंड विन कर चुके हैं। अब हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो थर्ड राउंड नेक्स्ट, नॉट थर्ड राउंड यार, बट लाइक कहने का मतलब ये है कि एक लेवल का जो है वो सब लेवल्स हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस बार ना गाड़ी को थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ, ठीक है। सो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ इंजन, अपग्रेड इंजन कर दिया, ठीक है। सो इसके लिए मुझे जो है वो जो कॉइन्स है वो उतने पे करने थे, मैंने इंजन अपग्रेड कर दिया। अब एक्सीलरेशन पे देखते हैं, शायद मैं थ्रस्ट लगा सकता हूँ, तो मैंने इसका जो है वो एक्सीलरेशन भी अपडेट कर दिया। हैंडलिंग डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, सो मैंने जो है वो हैंडलिंग स्टेज कर दिया। एक और स्टेज हैंडलिंग का मैं बढ़ा था, तो हैंडलिंग का मैं 2 स्टेज बढ़ा दिया। अब आते हैं नाइट्रो पे, एक और नाइट्रो सिलेंडर लगा देते हैं। ओके, सो वेल
आई थिंक मेरी गाड़ी जो है वो अब काम भर वो गई, क्योंकि टॉप स्पीड अब मेरे पास 250 किलोमीटर पर आवर है। मैं एक ये स्टेज और ड्राइव करता हूँ, ठीक है। सो अब मेरे पास 251 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा ज़्यादा कॉइन्स देके, बट कोई नहीं, ठीक है। सो मेरा BMW जो है वो अब ऑलमोस्ट जो है वो तैयार है, तो हम BMW को लेते हैं एंड देन चलते हैं। सो मेरा टॉप स्पीड अब 251 है, एक्सीलरेशन 59 है, 59 आई थिंक माइल्स पर सेकेंड होगा। हैंडलिंग जो है वो ये है, नाइट्रो जो है हमारे पास इतना है, ओके। सो इस गेम को हम कंटिन्यू करते हैं, ओके। सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। Let's go. इस बार लगता है मेरी सारी गाड़ियाँ जो है वो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। मैं इस साइड में आऊँगा। छोड़ने के लिए मैं कहाँ पे आ गया। जैसा लग रहा है कि अभी 251 वाकई में टॉप स्पीड में चल रहा हूँ एंड मैं आउट ऑफ सिक्स अभी सब टॉप पे हूँ। ये क्या मेरी गाड़ी यहाँ पे चला गया Yes. So finish line जो है मैंने फिर से जो है मतलब लाइक सो फार मुझे ना एक इतना मज़ा आ रहा है ना, और ये कहते हुए प्राउड फील हो रहा है कि सो फार अभी तक मैं चैलेंज वन। हाँ मे बी आगे जाके गेम जो है वो टफ़ होगा क्योंकि कंपटीशन में जो है वो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आने वाली हैं, बट सो फार जो है मैं बहुत अच्छा खेल पा रहा हूँ। कैसा कहना है दोस्त, है ना, क्योंकि किसी भी बार अभी तक मैं लाइक सेकेंड पोजीशन भी नहीं है, मतलब टॉप 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 एंड टॉप है। सो लेट्स सी अगेन। सो अभी हमें क्योंकि हमें इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए टोटल 15 खेलने हैं, और सिर्फ जो है वो अभी तक मैं 3 मैच खेला हूँ, मतलब 3 गेम जो है वो खेला हूँ एंड इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए 15 है। सो देखते हैं कितना दूर तक हम इस लेवल पर कम्प्लीट कर पाते हैं। ओके सो 3 फिनिश, मैं ये क्रेडिट ले सकता हूँ, कॉइन्स मैंने अचीव कर लिया। देन मैं 4th पे चला, ओके 4th गेम BMW अगेन। मुझे नहीं लगता कि इस बार अभी हमें कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ये रेस फिर से इसी अपग्रेडेशन पे खेलता हूँ। कह रहा है कि अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मैंने कहा चलो प्ले एनीवे, हम अभी पुराने गाड़ी से ही खेल लेंगे। अगर अपग्रेड करने की ज़रूरत हो तो अगली में ये गेम अगर इन केस पुअर रहता है परफॉर्मेंस तो देन 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 हम जो है वो सोचेंगे, अदरवाइज जो है वो हम ये गेम को प्ले करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट। गो। कुछ भी किया सबसे अच्छी इस गेम की बात ये है कि इसका ग्राफिक कितना अच्छा है, मतलब आपके साथ ही फोन के हमें क्योंकि इसका ग्राफिक बहुत अच्छा है। आपने फोन के मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक
था, फिनिश पॉइंट था। ये तो मेरे को ज़्यादा ही जल्दी जीते गया। सेफ मैन, इतना जल्दी जल्दी जीतना अच्छा बात नहीं है, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। तो नहीं, इस बार जो है वो हम अपने व्हीकल को अपग्रेड करेंगे। एंड ये क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रीच द नेक्स्ट। ओके, सो मेरे पास जो है वह कुछ रिवार्ड में आया है, मैं एक रिवार्ड भी देख लेता हूँ क्या रिवार्ड है मेरे पास। सो रिवार्ड मिला और जो है वो अनलॉक कर लिया। अब मैं 5 पे चलता हूँ। ओके, सो हम 5 पे चलते हैं एंड देन इस व्हीकल को हम अपग्रेड कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज ज़रूरी है अपग्रेडेशन। टॉप स्पीड थोड़ा सा देखते हैं क्या हम बढ़ा पाते हैं, क्या एक्सलरेशन भी ज़रूरी चीज़ है। ओके यार, ये टॉप स्पीड इतना कॉइंस ख़त्म करने के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बढ़े हैं। मैं 2 बार टॉप स्पीड बढ़ाया तो सिर्फ इतना ही बढ़ा। फिर मैं फिर एक्सीलरेशन भी बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक्सीलरेशन मीन्स फर्स्ट स्टार्ट, अगर गलती से गाड़ी रुक गई तो फर्स्ट स्टार्ट कितना अच्छा चलता है। हैंडलिंग थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, तो हैंडलिंग मीन्स टायर मैंने बदल लिया, नाइट्रो एक और सिलेंडर डाल लिया। ओके, सो सिलेंडर का साइज़ बढ़ता है बेसिकली, एक और सिलेंडर नहीं डलता, सिलेंडर का साइज़ बढ़ता है, तो मैंने एक और सिलेंडर डाल लिया। एंड देन अब मेरा टॉप स्पीड 253 है, एक्सीलरेशन 60.33 माइल्स पर सेकेंड होगा। एंड देन समथिंग लाइक दैट, ओके रेस गोल्ड एंड इस बार सिटी में रेस तो मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। बाकी तो कहाँ है, इस बार टारगेट क्या है मैं समझ ही नहीं पा रहा। ओके, सुनिए जो है हर जगह टाइमर लगा हुआ है, मुझे पूरे सिस्टम में टाइम पे जो है वो पहुंचना है। ठीक है, और सोचो मेरा जो है वो आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो टॉप स्पीड है, मैं अपने व्हीकल को टॉप स्पीड पे ही रन करा हूँ। ओ माय गॉड, ये तो पूरी तरीके से साफ रन है। नहीं 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 टकरा ना मुझे, सो मैंने जो है वो टारगेट मुझे जो है वो मिला था ये टाइम, और मैंने इतना में पहुँचा, मतलब माइनस जो है मैं इतना पहले ही पहुँच गया। सो आई डिड वेल यार, ऑनेस्टली सबसे अच्छी इस गेम की खासियत मैं यही कहूँगा, ग्राफिक्स इतना मज़ेदार है कि आप जब आप खेल रहे होंगे तो आपको पूरी तरीके से जो है वो रियल वाली जो है वो फीलिंग आने वाली है। ये मैं क्लेम कर सकता हूँ क्या? वाह, लगता है मुझे नई गाड़ी मिलने वाली है। आई थिंक यस, आई थिंक एंड गो टू मिशन नाउ, लेट्स बिगिन सीजन्स एलपी। ओके, सो इस मिशन में मुझे जो है एक रेस जीतना है जो कि 2 लैप का होगा, और ओके सो अभी ये लैप राउंड्स वगैरह के साथ जो है वो मेरा गेम होना शुरू होगा। ठीक है, इस बार मुझे जो है वो नॉट नाउ मुझे कह रहा है कि अगर इस फॉल्ट, अब अगर अगला टारगेट जो है वो आप लंबोर्गिनी ले सकते हैं, अदरवाइज आप पे करके डायरेक्टली ले सकते हैं। बट ये गेम जो है मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो किसी भी टाइप का पेमेंट वगैरह के साथ नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी जो है वो पेमेंट आप लोग को यूज़ करें। तो लेवल बाई लेवल जो है वो बढ़ने में जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा, क्योंकि लेवल बाई लेवल चीज़ें आप अर्न करेंगे, डायरेक्टली पे करने में क्या फ़ायदा है, मतलब लेवल तो आपने किया ही नहीं पूरा तो आप डायरेक्टली पे कर दिए, तो लाइक ये वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। एंड देन अगेन हमारे पास जो है वो ये भी एक सेवोलेट की गाड़ी भी आई थिंक अनलॉक हो गया है, इसका एक बार देखते हैं। टॉप स्पीड 264, वाओ, एक्सीलरेशन 50, मैंने आई थिंक एक्सीलरेशन इससे कम है हैंडलिंग, क्योंकि मैंने उसको अपग्रेड कर लिया था ना।
मैं अभी इसे नहीं ले सकता, मुझे जो है वो इतना रैंक होना चाहिए तभी मैं ले सकता हूँ शायद। ठीक है कोई नहीं, हम ले लेंगे, जल्दी ही ले लेंगे। सही, फिलहाल BMW से स्टार्ट करते हैं अगेन, बिकॉज मुझे जो है वो सेवरोलेट की वो नई गाड़ी लेनी है जिसका जो है वो टॉप स्पीड 265, बिकॉज मेरी अभी BMW जो है वो सिर्फ 253, बिकॉज मैंने दो बार अपग्रेड किया फिर भी 253 नहीं चल रही है। ओके बिगिन द गेम, इस बार लग रहा है कि ऑफ टेरेन ओके। सो आप जो है वो आप पूरा जो है वो रिकैप भी देख सकते हैं कि कैसा हमने जो है वो सेमेटिक जो है वो कैसा किया। ठीक है, सो ओवरऑल बहुत अच्छा मैप जो है वो प्ले किया, बहुत अच्छा गेम जो है वो। चलते हैं फिर नेक्स्ट लेवल की तरफ, एंड इस बार मेरे अंदाज़ से आई थिंक 7 मैच इस गेम का मैं इस लेवल का या टेक मी हेयर कुछ जो है वो शायद रिवार्ड वगैरह मिलने वाले हैं। नहीं यार भाई तो नहीं करना मुझे कुछ भी, लेकिन पास नहीं, ये अच्छा ये फ्री है मेरे पास, सो मैं ये ले लेता हूँ। सो गेट फ्री कार्ड प्रीमियम पैक, ये फ्री था। सो वो डेली गोल मैंने कंप्लीट किया 6 out of 20, इसका जो है वो ये है। ओके सो ये जो है वो मेरे पास कुछ कुछ कार्ड ऐसे जो है वो मिले। अब नेक्स्ट लेवल पे चलता हूँ मैं, नेक्स्ट क्या है। हे दोस्त सॉरी यार, आई थिंक मैं जो है वो 6 लेवल मिस कर गया था, जो कि आप फ्लैग देख रहे हैं वो ये था, इसी वजह से जो है वो थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ रहा था मुझे, बट कोई नहीं। हम अब 6 लेवल 6, हालांकि 7th मैच जो है वो लेवल टू का 7th मैच जो है वो कंप्लीट कर चुका था, बट 6th जो है वो शायद मैं स्किप कर दिया था। तो 6th को जो है वो फिर से प्ले करते हैं एंड देन जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। सो 6th एक रेस गेम है, देखते हैं 6 प्लेयर्स हैं। कोई नहीं, ओके 265 नाइस, जो है डालने के बाद ना लग अच्छा से स्पीड बढ़ के है जो कर जा रहा है। ओके नाउ इट्स माय टर्न, please.
बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ कंपटीशन में थी और मैंने जो है वो उनका अच्छा कंपटीशन दिया। मेरी गाड़ी एक बार बहुत बुरी तरीके से जो है वो स्ट्राइक कर गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। बट ठीक है, ये एक मेरा फर्स्ट टाइम था जो एक्सीडेंट इतने बुरी तरीके से हुआ, पूरी तरीके से दिया। ओके, सो अब जो है मैं न्यूक करने के लिए आ रहा हूँ। ओके, सो मेरा जो है वो आउट ऑफ 15 जो है वो इस सीज़न का फ्लैग जो है वो मुझे 15 फ्लैग लेना है, मैं 11 ले चुका हूँ। ये कह रहा है कि इसमें एक ही फ्लैग मिला, ऐसा क्यों है? मैं ऊपर देखूँ क्या मेरे पास और फ्लैग चाहिए अभी, और 11 ही है अभी मुझे। ये फ्लैग एक ही क्यों मिला ये समझ नहीं पाया मैं। कोई नहीं, थर्ड नंबर फिर से खेलते हैं क्योंकि इसमें एक ही फ्लैग मुझे मिला है। शायद टाइम का कुछ लिमिट था या क्या था पता नहीं, बट मैं एक ही फ्लैग ले पाया। तो फिर से थर्ड नंबर जो है वो फिर से खेलते हैं, इसका जो है वो दोनों फ्लैग ले लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ें। टोटल आउट ऑफ 15 मेरे पास अभी 11 है और मुझे टोटल 15 जो है फ्लैग। ओके, सो लेट्स प्ले। रोड पे चल दिया तो जंप के लिए तैयार। वो पता, जब जंप होता है ना तो गाड़ियाँ जो है वो, क्योंकि गाड़ी का चक्का तो छोटा ही है तो आप बैलेंस ही नहीं कर सकते। मैंने मतलब लेफ्ट राइट में वो जंप जब तक धरती को छुएगा नहीं, मतलब वो तो जब तक टच नहीं करेगा तब तक जो है वापस नहीं कर सकते। ओके दोस्त, फाइनली जो है मैं आउट ऑफ 13 जो है सॉरी आउट ऑफ 15 जो है मैं 12 फ्लैग कलेक्ट कर लिया, और बाकी का फ्लैग जो है वो हम कलेक्ट करेंगे अगले एपिसोड में। ओके, सो ये जो है वो हम रिवार्ड कलेक्ट कर लेते हैं। और आप लोग कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये गेम आपको कैसा लग रहा है। प्लीज़ जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए।
धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।